फाइनली आज अपने पास है भाई Realme 13 Plus 5G और मैं इस फोन को पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ एज अ प्राइमरी डिवाइस बना करके। अगर आप लोग Realme 13 Plus को बाय कर रहे हो या करने वाले हो तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करना। आज की वीडियो में आपको Realme 13 Plus 5G के 50% फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप लोग रियल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करोगे तो आपका फोन यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो और भी एनहांस हो जाएगा। जैसे कि कैमरा कह रहा हूँ, रिंग लाइट का इफेक्ट, कलर कस्टमाइजेशन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह वगैरह, बहुत सारे हिडन फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करो, सारी चीजें इस फोन के बारे में आपको आज किस वीडियो के अंदर बताते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले पहली बार चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। सबसे पहले फीचर की बात करें तो देखो इस फोन के अंदर आपको वायरलेस कीबोर्ड और माउस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आपने OTG कनेक्शन से इस फोन के अंदर जो वायरलेस कीबोर्ड और माउस है उनको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है और आपने जाना है सेटिंग के अंदर। ऊपर आप लोगों ने सर्च करना है OTG, जैसे मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं OTG लिख करके आप लोगों ने इसको ऑन कर देना, दैट्स इट। अब आपके सामने आप लोग देखो यहां मैं अपने पूरे फोन को माउस के से कंट्रोल कर रहा हूं, ये रहा मेरा माउस, और जैसे मैं माउस को आगे पीछे कर रहा हूं, स्क्रॉल कर रहा हूं, नोटिफिकेशन पैनल को डाउन कर रहा हूं, अप कर रहा हूं, यहां कैमरा को ओपन करूं, देखो मैंने कैमरा यहां पर ओपन किया, क्लोज किया, सब कुछ मैं माउस की हेल्प से कर रहा हूं। तो इस फोन के अंदर आपको वायरलेस कीबोर्ड और माउस दोनों का सपोर्ट मिलता है। अब अगले फीचर की बात करें तो आप भी मेरी तरह इस फोन के अंदर जो यहां पर 3D विजर्स मैंने इस तरीके के लगा के रखे हैं वो आप लोग अपने फोन के अंदर लगा सकते हो। अब इनको लगाने के लिए आपने करना क्या है, स्क्रीन को सिंपली पिंच करो, सबसे ऊपर आपको प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है और यहां पर आप लोगों को जितने विजेट अवेलेबल होंगे सारे देखने को मिल जाएंगे, रिकॉर्डर, स्टेप ट्रैकर, वेदर, नोट्स, क्लॉक, फोटोज एप्लीकेशन के काफी सारे विजेट आपको देखने को मिल जाते हैं। जो आपको पसंद हो वो विजेट आप लोग यहां पर आसानी से लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपके सामने फोन मैनेजर को ओपन करता हूं, मुझे ये वाला विजेट पसंद है, ऐड के ऊपर क्लिक करता हूं, आपके सामने देखो ये विजेट मेरी होम स्क्रीन के ऊपर ऐड हो गया और जैसे क्लिक करता हूं भाई ये वर्क भी करता है और प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो है ना ये कमाल के विजेट जो देखने में भाई कुछ इस तरीके के लगते हैं, है ना कमाल के, और ये आपके फोन के लुक को भी एनहांस करते हैं। अब अगले फीचर्स वगैरह की बात करें, देखो वो सारे फीचर्स आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। होम स्क्रीन के ऊपर आपने स्क्रीन को पिंच करना है, नीचे सारे फीचर मिल जाएंगे, वॉलपेपर, आइकन, विजेट, लेआउट, ट्रांजिशन, मोर का। सबसे पहले आप लोग यहां पर वॉल पर जैसे क्लिक करोगे आप लोगों को यहां पर जो वर्कशॉप है वो भी देखने को मिल जाती है। आप लोग यहां पर AI की हेल्प से जो वॉलपेपर है क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये AI की हेल्प से नहीं है, Realme का एक AI इंजन है वो आपको वॉलपेपर क्रिएट करके देता है, जो आपको पता होगा Realme के सारे फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। वैसे इस फोन के अंदर आप लोगों को भाई जो लाइव वॉलपेपर है वो सारे देखने को मिल जाते हैं और इसके अंदर भाई एक प्रीमियम लाइव वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपको उस वॉलपेपर को बता देता हूं भाई, काफी कमाल का वॉलपेपर है, जहां पर आप लोग टच करोगे वहां पर आप लोगों का कलर आ जाएगा, है ना ये कमाल का वॉलपेपर। इसके लिए भाई आप लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन Realme ने ये वॉलपेपर जो है आपको बिल्कुल फ्री में दे दिया। तो यहां पर आप लोग ये लाइव वॉलपेपर भी अपने फोन के अंदर लगा सकते हो भाई, काफी सारे स्टैटिक वॉलपेपर भी आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगले फीचर की बात करें तो आइकन भी आप लोग इस फोन के चेंज वगैरह कर सकते हो, अगर आपने कस्टम आइकन पैक्स लगाए तो वो आप लोग यहां पर लगा सकते हो और साथ में आप लोगों को जो मटेरियल आइकन पैक्स हैं उनका सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, उनको भी आप लोग यहां से ऑन वगैरह कर सकते हो। विजेट आप लोगों को नॉर्मल भी देखने को मिल जाते हैं और साथ में 3D विजेट मैंने आपको बताया वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मोर सेक्शन के अंदर आप लोग होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हो, होम स्क्रीन का जो मोड वगैरह है वो आप लोग यहां से चेंज कर पाओगे, साथ में आप लोगों की कुछ कस्टमाइजेशन है जैसे कि डबल टैप टू लॉक और स्वैप अप करने पर आपको नोटिफिकेशन ड्रॉ चाहिए, ग्लोबल सर्च चाहिए, सेल्फ चाहिए, ये सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक फीचर आपका ऑन होगा ग्लेंस फॉर Realme का, इसको आप लोगों ने ऑफ कर देना ताकि आप लोगों को जो अनवांटेड नोटिफिकेशन वगैरह है वो देखने को ना मिले। यहां तक कि आप लोग अपने जो लॉक स्क्रीन क्लॉक स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हो, वर्टिकल चाहिए वर्टिकल रख लो, जैसे वर्टिकल किया तो अभी देखो ये वर्टिकल देखने को मिल रहा है। अब आपके सामने मैं इस क्लॉक स्टाइल को हॉरिजॉन्टल कर देता हूं, अब चेक करना ये हॉरिजॉन्टल देखने को मिल रहा है। तो ये सारे कस्टमाइजेशन के फीचर आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब इस फोन के कुछ यूनिक फीचर्स की बात करते हैं। अब वो फीचर आपको देखने को मिलेंगे सेटिंग्स के अंदर, आपने जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन के सेक्शन में। जैसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिलेगा क्लियर वॉइस का, जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके आपको पेज ओपन होगा, सबसे पहले आप लोग ये साउंड सुनना। अब आप लोग ये आवाज सुनो दूसरे वाली।
इस फीचर्स की हेल्प से अगर आप लोग कॉल पे बात कर रहे हो और बैकग्राउंड में नॉइस है तो आप लोगों ने क्लियर वॉइस फीचर को ऑन कर देना है, बैकग्राउंड की नॉइस यहां पर पूरी ऑफ हो जाएगी। ये आप लोगों के फोन, मीट, गूगल मीट एंड इंस्टाग्राम तीनों के ऊपर काम करता है, जो प्रॉपर तरीके से काम करे, कोई दिक्कत वगैरह इसमें आपको नोटिस नहीं होगी। मैं इसको यूज कर रहा हूं। अब अगला फीचर आपको देखने को मिलता है भाई होलो ऑडियो का। इस फीचर की हेल्प से इस फोन में वैसे आप लोगों को हेडफोन जैक का गड्ढा मिलता है, तो उनको लगा करके आप लोग इस फोन में भाई जो 8D ऑडियो है उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। और यहाँ पर आप लोग जो कस्टमाइज करना है तो अपने हिसाब से आप लोग उसको कस्टमाइज भी कर पाओगे। तो है ना ये कमाल के फीचर जो आप लोगों को सिर्फ रियलमी 13 Plus 5G में देखने को मिलते हैं, और किसी फोन में ये फीचर नहीं है। अब आप सब लोग देख रहे होंगे मैंने कैमरा के अराउंड ये क्या लगा के रखा है, तो भाई ये है रिंग लाइट। और अच्छी बात तो ये है, ये बैटरी को भी इंडिकेट करती है, जैसे जैसे बैटरी कम होगी इसकी बार भी कम हो जाती है। अब ये आप लोग अपने रियलमी के किसी फोन में लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए आपने करना क्या है, आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, ऐप का नाम है रिंग रिंग, लिंक इसका मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐप को आपने डाउनलोड करके ओपन करना है, सबसे पहले ऑन करो इसको, अपने हिसाब से आप लोगों ने यहां पर सेट कर लेना है। सेकंड नंबर के ऊपर से कलर्स वगैरह आपने सेट करने हैं, दैट्स इट। उसके बाद ये देखने में कुछ इस तरीके की लगती है और ये बैटरी को भी इंडिकेट करती है, तो है ना कमाल की ये भी। अब रिंग लाइट के साथ अगर आप लोग इस तरीके की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अपने फोन में लगाना चाहते हो तो आप लोग आसानी से लगा सकते हो। और रियलमी 30 प्लस में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, तो ये फीचर आप लोगों को आपके फोन की जो सेटिंग है वॉलपेपर स्टाइल का सेक्शन है यहां पर ही देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन कर दो, काफी सारे स्टाइल वगैरह देखने को मिल जाएंगे, वो आप लोग लगा सकते हो। साथ में आप लोगों को यहां पर जो एज लाइटिंग का फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है, और भाई प्रॉपर तरीके से काम करता है। यहां पर आप लोगों को 3 कलर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कलर आपको पसंद हो वो आप लोग सेट कर लो, और ये आपको जब मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, कॉल आएगी, सबके ऊपर काम करता है। अब मैं आप लोगों को कुछ सेटिंग्स बताता हूं, उनको आप लोगों ने अपने फोन में अंदर सबसे पहले करना है। अगर कर लोगे तो आपको जो अनवांटेड नोटिफिकेशन वगैरह ऐप मार्केट के, थीम स्टोर के, वो देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ऐप मार्केट इस फोन के अंदर देखने को मिलती है, उसके ऊपर क्लिक करके ऐप इन्फो में जाओ, डिसेबल कर दोगे, और डिसेबल करने के बाद पासवर्ड लगाओ, डिसेबल हो गया। उसके बाद आप लोगों को यहां पर जो हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स देखने को मिलते थे वो आप लोगों के सारे चले जाएंगे, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसी के साथ थीम स्टोर की नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो उसको भी ऐप इन्फो में जाकर के आप लोग डिसेबल कर सकते, यूज नहीं करते इसको, डिसेबल कर दो, कोई आप लोगों को अनवांटेड नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो नहीं आती। ग्लैंस फॉर रियलमी जो आप लोगों को सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलता है उसको आप लोगों ने ऑफ कर देना है। होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेक्शन के अंदर ये रहा भाई ग्लैंस फॉर रियलमी, आपको ऑन होगा इसको ऑफ कर दो। इन 3 सेटिंग को आपने कर लेना है, उसके बाद कोई भी अनवांटेड नोटिफिकेशन वगैरह, ये अनवांटेड आप लोगों को जो नोटिफिकेशंस है वो देखने को नहीं मिलेंगी। अब मैं आपको इस फोन की बैटरी से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स बताता हूं, कुछ फीचर बताता हूं, अगर उनको यूज करोगे तो आपके फोन की बैटरी लंबा टाइम चलेगी। अब उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है फोन की सेटिंग के अंदर, बैटरी का सेक्शन ओपन करो, सबसे पहले आपको GT मोड मिलेगा, आपको ऑन होगा, इसको आप लोगों ने ऑफ कर देना है। ऑफ रहेगा तो आपके फोन की बैटरी जो है वो ज्यादा जल्दी ड्रेन नहीं होगी। पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाता है, सुपर पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाएगा, इनको यूज करोगे तो आपके फोन की बैटरी और ज्यादा बच जाएगी। स्मार्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाता है, आपके फोन की बैटरी 80% के ऊपर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी, जिससे आपके फोन की बैटरी ज्यादा जल्दी खराब भी नहीं होगी। चार्जिंग लिमिट का फीचर मिल जाएगा, स्मार्ट रैपिड चार्जिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है जो काफी काम का है। मोर सेटिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, इन सबको यूज करोगे तो आपके फोन के जो बैटरी ड्रेनिंग, बैटरी की प्रॉब्लम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इन सेटिंग्स को, इन फीचर्स को आप लोगों ने यूज करना है। ये तो बात हो गई इस फोन के कुछ नॉर्मल फीचर और सेटिंग के बारे में। अब इस फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर की बात करते हैं, तो वो आपको मिलेंगे सेटिंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी के सेक्शन में। इस फोन में आपको AI के फीचर मिल जाते हैं, AI स्मार्ट लुक, स्मार्ट साइड बार, और इसमें आप लोगों को जो नए वाली स्मार्ट साइड बार है वो देखने को मिलती है, जिसके अंदर आप लोगों को नए जो फीचर्स वगैरह हैं वो सारे देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर इस फोन में राइडिंग मोड, जेन स्पेस, किड्स मोड, सिंपल मोड के सारे फीचर मिल जाते हैं। स्मार्ट सेंसिंग का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो एयर जैशर है वो भी आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आप लोग अपने फोन को बिना टच किए यूज कर सकते हो, तो ये फीचर मुझे काफी काम का लगता है। डबल टैप टू स्कैन का फीचर भी देखने को मिल जाता है। इस फीचर की आपसे अगर आप लोग अपने फोन के पीछे डबल टैप करोगे तो आपके कैमरा के सामने जो भी चीज होगी ऑटोमेटिकली आपका कैमरा स्कैन करके उसको आपकी होम स्क्रीन के ऊपर सर्च करके आपको दे देगा, तो है ना ये भी कमाल का फीचर। टच ऑप्टिमाइजेशन का फीचर भी देखने को मिल जाता है, अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा है, स्क्रीन बढ़िया काम नहीं कर रही, फीचर को ऑन कर दो, स्क्रीन बढ़िया काम करेगी। स्क्रीन की जो स्क्रीन है उसके ऊपर अगर आपका पानी वगैरह गिरा होगा, इस फीचर को ऑन कर दो, वो भी अच्छे से काम करेगी, तो कोई दिक्कत वगैरह जो है आपको आपकी स्क्रीन को यूज करने में नहीं होगी, टच आपकी बढ़िया स्मूथली वर्क करेगी। अब देखो ये गेमिंग फोन है, तो इस फोन के अंदर रियलमी ने गेमिंग फीचर्स भी दिए हैं। सबसे पहला गेमिंग फीचर आपको देखने को मिलेगा सेटिंग के अंदर में, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा डेडिकेटेड रैम फॉर गेमर्स। और आप लोगों को यहां पर रैम की कमी है तो यहां पर गेम को
ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली उस गेम के इतनी रैम की जरूरत होगी, आपका फोन ऑटोमेटिकली उस रैम को ले लेगा। दूसरा फीचर इस फोन में आप लोगों को जीटी मोड देखने को मिल जाता है, उसको सिंपली आप लोगों ने अपने जो नोटिफिकेशन पैनल है वहां से आप लोगों ने उसको ऑन कर लेना है। अगर आप लोगों को यहां पर वो देखने को ना मिले तो उसको आप लोगों ने यहां पर एडिट के ऊपर क्लिक करके जीटी मोड अगर आपका यहां पर नीचे होगा तो उसको आपने ऑन कर लेना है। अगर यहां पर भी आपको जीटी मोड वगैरह देखने को ना मिले तो सिंपल सा तरीका है, आपको जाना है फोन की सेटिंग के अंदर, बैटरी का सेक्शन के अंदर जाओ, यहां पर रहा जीटी मोड, इसको ऑन कर दो एंड आपके फोन का जीटी मोड ऑन हो गया। उसके बाद परफॉर्मेंस भाई नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलेगी, और BGMI खेलते हो तो 98% BGMI खेल सकते हो, और कुछ गेमिंग फीचर्स वगैरह आपको एक्स्ट्रा यहां पर देखने को मिल जाते हैं, गेम असिस्टेंट देखने को मिल जाएगा जो भाई काफी नए नए फीचर्स को यहां पर इंट्रोड्यूस कर देता है। तो गेमिंग फीचर भी Realme ने इस फोन के अंदर भर भर के दिए हैं। तो फाइनली दोस्तों इतने इस वीडियो में, ये थे Realme 13 Plus 5G के कुछ हिडन फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप लोग इनको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करोगे तो आपका फोन यूज करने का जो एक्सपीरियंस है और भी एनहांस हो जाएगा, गेमिंग वगैरह आप लोग मस्त इस फोन में कर सकते हो, और भी नए नए फीचर को इंट्रोड्यूस करोगे, उनको आप लोग यूज करोगे तो आपको फोन यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो और भी आसान हो जाएगा। जिन काम के लिए आपको घंटे घंटे लगते थे उन फीचर्स को यूज करके आप लोग उन्हीं काम को भाई कुछ मिनटों के अंदर पूरा कर सकते हो। तो फाइनली इतने इस वीडियो में, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।